हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक फीचर के बारे में बताया था जिसका नाम था बिक्सवी टेक्स्ट कॉल करके। ये अभी रिसेंटली रोल आउट किया गया था बिक्सवी टेक्स्ट कॉल करके, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूं उस फीचर के अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट के साथ क्या नए चेंजेस किए गए आगे आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ बिक्सवी टेक्स्ट कॉल के नए फीचर के बारे में, या बोल सकते हैं नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर अपने कॉल वाले सेक्शन पे। यहाँ पर जाने के बाद आप थ्री डॉट्स पर जाएंगे, यहाँ सेटिंग्स पर जाएंगे, तो आपको यहाँ पर खुद ही एक डॉट बना हुआ दिख रहा होगा। आप दिख रहे होंगे एक नया डॉट बना हुआ दिख रहा है बिक्सवी टेक्स्ट कॉल के अंदर। आप जैसे ही जाएंगे उसको आपको उसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल बता रहा होगा, तो आपको कर लेना है इसको अपडेट पे क्लिक। अगर आपने इसको ऑन नहीं करा तो आपको इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आप देखेंगे आपको ले आया है आपके क्लेक्स स्टोर पे और ये अपडेट सेक्शन पे आ गया। आप नीचे की तरफ जाएंगे, इस अपडेट्स में ऐसा कुछ नया चेंजेस तो नहीं दिया गया, बट इस अपडेट में आपको क्या दिया गया है, स्मार्ट सैमसंग कॉल का फीचर दे दिया गया है। बिक्सवी के थ्रू इसको कॉल कर सकते हैं। और इसका जो अपडेट कब रोल आउट किया गया है, 21 फरवरी के दिन इसको रोल आउट किया गया, जिसका साइज है 110 MB का। तो इसको कर लेते हैं अपडेट, और अपडेट करने के बाद बताता हूँ कैसे अपन इसका यूज कर सकते हैं और इसको एक्चुअल में कैसे यूज करते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद मैं आपको इसको यूज करना बताने वाला हूँ कैसे अपन यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको वापस ले जा रहा हूँ यहाँ पर, और आपने इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद मैं अपने नंबर पे एक कॉल लगाता हूँ, तो आपको यूज करना बताता हूँ कि एक्चुअल में इसका अपन कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे जैसे ये कॉल आ चुका है मेरे पास। कॉल आने के बाद आपको नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा बिक्सवी टेक्स्ट कॉल का। आप देख रहे होंगे आपको ऑप्शन मिल रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है और उसके थ्रू कॉल को यहाँ पर अटेंड कर लेना है। अब अटेंड करने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर ऐसा क्यों दिख रहा है। अगर अब मैं यहाँ पर जो भी बोलूंगा वो वहां पर टाइप होके चले जाएगा, वहां पर उसको वही चीज सुनाई देगी जो आप यहाँ पर बोलेंगे, और चाहे तो आप लिख के भी यहाँ पर रिप्लाई कर सकते हैं और वही साउंड उसके पास सामने वाले के पास चले जाएगा। और ऐसे ही अगर वो कुछ बोलेगा, अगर वो कुछ बोलेगा तो आपको यहाँ पर टाइपिंग होके दिख जाएगा। तो इस तरीके से वाला फीचर काम करता है। इसमें फिलहाल अभी कोरियन लैंग्वेज ही सपोर्ट करता है। आने वाले टाइम पे इसमें बहुत सारी लैंग्वेज सपोर्ट हो जाएगी, लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट बना रखा है, तो उस तरीके से ये काम करेगा। हेलो हेलो, तो ऐसा ये काम करेगा ये वाला फीचर, जो कि मुझे बहुत पसंद है। आप किसी को कॉल उठाना नहीं चाहते हैं, कहीं मीटिंग में हो तो आप इसके थ्रू बात कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे सामने वाले के पास बिल्कुल वही शब्द आपके सुनाए जाएंगे और उसका वो यूज कर सकता है। इस तरीके से इस फीचर का यूज करेंगे। इसमें आप और इसमें दो चार लैंग्वेज या दो चार आपको यहाँ पर साउंड दिए गए, आप साउंड क्वालिटी यहाँ पर सेंड आउट कर सकते हैं एंड वॉइस में जाके, जिसमें से आपको भी लेना हो आपको उस पर क्लिक कर लो, वैसी आपको सुनाई देगी। और जिसमें नया अपडेट होगा तो वो भी आपको यहाँ पर अपडेट करना रहेगा, जिससे कि उसकी वॉइस क्वालिटी भी अच्छी खासी इंप्रूव हो जाए। तो उसको अपडेट करने के बाद भी उसमें लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी लैंग्वेज जो थी वो वैसे ही यहाँ पर वर्क कर रही है। आप देख रहे होंगे अगर मैं यहाँ पर पीछे आऊँ तो आप सुनेंगे उसकी लैंग्वेज आपको सुन रही होगी, वो कोरियन में ही यूज कर रहा है। आने वाले टाइम पे इसमें इंग्लिश भी वर्जन मिलेगा, फिलहाल इसमें यही यूज है और इसका आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जो कि मुझे काफी अच्छा फीचर लगा। अगर इसमें इंग्लिश लैंग्वेज जुड़ जाएगी तो बहुत ही शानदार वाला फीचर लगेगा। तो आज के वीडियो में यही था दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मैं उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।